हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गुजराती चेस जोन। मैं आपको आज कॉलेज सिस्टम, अभी हम लोग जो कॉलेज सिस्टम की सीरीज पे बात कर रहे हैं दोस्तों, कॉलेज सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन है। ओपनिंग से बहुत तरह के अटैक है वाइट की ओर से, और अलग अलग टाइप के आप बहुत सारे अटैक कर सकते हो। और सभी अटैक सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हर एक वीडियो में आपको कुछ नया अटैक सीखने को मिलेगा वाइट की ओर से इन कॉलेज सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं कॉलेज सिस्टम। D4, D5 ये मेन मूव है। नाइट F3, E6, यहाँ पे ब्लैक कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए मूव ऑर्डर चेंज कर सकता है एन F6 के बजाय E6, या पहले E6 देन D5, बहुत सारे वेरिएशन है। E3 के बाद नाइट F6, ये प्रॉपर कॉलेज सिस्टम। NBD2 हम भी मूव चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि NBD2 के बजाय हम बिशप D3 भी खेल सकते हैं, या पहले B3 भी कर सकते हैं, या वेटिंग मूव में A3 भी कर सकते हैं कॉलेज सिस्टम में। लेकिन यहाँ मैं आपको H1 टू H8 डायगोनल ओपनिंग कैसे करना है, कैसे अटैक करना है, उसके बारे में दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप मूव ऑर्डर चेंज मत कीजिए। NBD2 ये अच्छे मूव है। यहाँ पे C5 और C5 के रिप्लाई में देखो, कोई भी ओपनिंग सीखने के लिए उसका रिप्लाई क्यों किया जाता है वो समझना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे C4 को स्टॉप करने के लिए हमारे पास B3 बेस्ट ऑप्शन होता है। अगर C4 हो गया तो ब्लैक की गेम काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी वाइट की ओर से, इसीलिए ध्यान रखो कि C4 अलाउ नहीं करना है। जैसे ही ब्लैक C5 करता है आपको B3 तुरंत खेलना है। Nc6, यहाँ पे A6, मैंने बताया था A3 खेलना जरूरी है, लेकिन कुछ अटैक में अगर नाइट C6 आपके नाइट B4 करके आपके बिशप पे अटैक नहीं कर रहा है, मतलब बिशप D3 नहीं खेला है आपने, तो आप BB2 पहले खेल सकते हो। अगर आपका बिशप D3 यहाँ पे हो चुका है तो आप A3 करो, जैसे कि नाइट C6 के रिप्लाई में। इसीलिए बिशप B2, बिशप D6, यहाँ पे बिशप D3 खेल सकते हो कैसलिंग। अब देखिए, कैसलिंग के बजाय अगर ब्लैक ने कभी नाइट B4 पहले कर लिया तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिंपल Qe2 से उसे सपोर्ट करके आप आगे खेल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है कैसलिंग। और इसके बाद हमें नाइट B4 अलाउ नहीं करना है। तो A3 अब हम करेंगे। यहाँ पे B6, नाइट E5, बिशप B7, नाइट E5 हमारी बेस्ट ऑप्शन है। जैसे कि नाइट टेक्स नाइट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डबल अटैक हो रहा है बिशप और नाइट पे पॉन से, और आपको एक पीस फ्री में मिल जाएगा। और अगर बिशप टेक्स D6 पहले किया उसने, तब भी पॉन टेक्स बिशप मारने के बाद ये F6 पे आपका कंट्रोल जबरदस्त हो जाएगा। तो बिशप B7, ज़्यादातर प्लेयर नाइट E5 को मारते नहीं हैं। यहाँ पे आप F4 कर सकते हो कैसलिंग के बजाय। पहले मैं F4 क्यों बता रहा हूँ, इसमें कैसलिंग लेट करना है। कैसलिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है जल्दी, क्योंकि आपके ऊपर कोई भी अटैक नहीं आने वाला है। यहाँ पे A6, अब इसके बारे में A6 B5 अटैक के बारे में हम लोग बाद में पूरा डिस्कस करेंगे। इसके बाद एक पूरा वीडियो मैं बनाऊंगा A6 B5 ब्लैक का अटैक, आप कैसे उसका रिप्लाई दे सकते हो। क्वीन F3 यहाँ पे करना है। कई लोग पूछेंगे कि सर बिशप की लाइन में क्वीन F3 क्यों खेलते हैं हम डायगोनल में, लेकिन दोस्तों अभी कुछ नहीं कर सकता ब्लैक, डायगोनल ओपन ही नहीं हो रहा है, तो कैसे वो अटैक करेगा। यहाँ पे देखिए, और बिशप भी वैसे अनसपोर्टेड है, अगर नाइट हट गया तो भी क्वीन टेक्स बिशप की थ्रेट भी रहती है। यहाँ पे B5, अब देखो खास अलर्ट हो जाना है। अब ब्लैक का प्लान क्या है, A6 B5 देन नेक्स्ट मूव ब्लैक खेलने वाला है C4, तो इसे तुरंत स्टॉप करो। स्टॉप कैसे कर सकते हो, तो पॉन टेक्स पॉन, बिशप टेक्स पॉन, और उसके बाद कैसल। कैसल कितने मूव्स के बाद किया देखो दोस्तों, 13 मूव में हमने कैसलिंग किया। ज़्यादातर हम लोग बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो उसे बोलते हैं कि जल्दी से जल्दी कैसल कर लो, 5 या 6 मूव में आपका कैसलिंग हो जाना चाहिए। लेकिन इस गेम में हमने कितने मूव्स में किया है दोस्तों, 13 मूव में, क्योंकि हम अटैक करना चाहते हैं, जबरदस्त अटैक मिल रहा है वाइट को। यहाँ पे रुक C8, इंस्टेड ऑफ रुक C8 इज अ बेस्ट मूव। यहाँ पे अगर ब्लैक ने Qb6 किया, सपोज Qb6, तो यहाँ पे आप तुरंत गेम जीत जाओगे। जैसे कि वो क्वीन नाइट को सपोर्ट कर रही थी और वहां से क्वीन हट गई है, तो सिंपल नाइट टेक्स नाइट देन बिशप E3, एक पॉन की कोई भी चिंता करनी नहीं है। बिशप E3 के बाद
बिशप टेक्स डी टू भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आपने ऑलरेडी एक उसका नाइट ले चुके हो। किंग एच वन, उसके बाद बिशप टेक्स सी सिक्स क्योंकि क्वीन टेक्स सी सिक्स पॉसिबल नहीं है, क्वीन टेक्स ई थ्री हो रहा है और पीस डाउन हो जाएगा ब्लैक। तो बिशप सी सिक्स के रिप्लाई में यहाँ पे वाइट टू प्लेन विन की पोजीशन है, मतलब एक पजल जैसी पोजीशन है। बिशप इंटू एफ सिक्स फोर्स मूव है सारे, किंग टू एफ सिक्स बिशप टेक्स एच सेवन चेक, किंग टेक्स एच सेवन क्वीन एच फाइव चेक, देन किंग जी सेवन एंड रुक एफ थ्री अनस्टॉपेबल चेकमेट एंड वाइट विल विन द गेम। तो यहाँ पे जैसे कि हमने देखा कि क्यू बी सिक्स एक मिस्टेक है, ऐसी ऐसी मिस्टेक आपको पकड़ के रखनी है, ध्यान रखो। एक्सरे अटैक अपना दिखना चाहिए, बिशप ऑन बी टू पे जो है वो एफ सिक्स नाइट पे अटैक कर रहा है, कभी भी यहाँ डिस्ट्रॉय कर सकते हो आप। रुक सी एट इज अ बेस्ट ऑप्शन, रुक सी एट के सामने आपको खेलना है क्वीन जी थ्री, नाइट टेक्स ई फाइव। क्यों नाइट टेक्स ई फाइव भाई? क्योंकि उसे भी एक्सचेंज करना है, अगर सेंटर में नाइट है तो बहुत डेंजर है, हमारी नेक्स्ट थ्रेट हो सकती है नाइट डी सेवन, आफ्टर नाइट टेक्स डी सेवन क्वीन जी सेवन चेकमेट, और आफ्टर क्वीन टेक्स डी सेवन बिशप टेक्स एफ सिक्स, देन अनअवॉइडेबल चेकमेट विल कमिंग अप इन फ्यू स्टेप। तो दोस्तों ये नाइट टेक्स ए फाइव इसीलिए फोर्स है, लेकिन यहाँ मैं आपको एडवाइस दूंगा बिशप टेक्स ई फाइव कीजिए ताकि उसके नाइट पे अटैक कंटिन्यू रहे। ब्लैक रिप्लाई देगा बिशप डी सिक्स, और बिशप डी सिक्स के सामने बी डी फोर आपको एक्सचेंज नहीं करना है, डार्कस्वर्ड बिशप आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिशप है इसीलिए इसको एक्सचेंज मत कीजिए। बिशप डी फोर के बाद क्वीन ई सेवन, यहाँ पे थ्रेट क्या है कि बिशप टेक्स ए थ्री की भी थ्रेट है और ब्लैक चाहता है कि वो अपना स्ट्रॉन्ग बिशप हमारा स्ट्रॉन्ग बिशप से एक्सचेंज कर ले। यहाँ पे हम सिंपल बी फोर खेल लेंगे ताकि उसको चांस नहीं मिले बिशप सी फाइव का, और बिशप टेक्स पॉन का भी चांस नहीं मिले। यहाँ पे जी सिक्स, अब जी सिक्स हो गया है रिप्लाई फोर्स जैसा, क्योंकि बिशप टेक्स एफ सिक्स कभी भी आ सकता है आफ्टर एफ फाइव, और भी आपके पास बहुत सारे अटैक है क्वीन जी फाइव करके। जी सिक्स में आप रिप्लाई दोगे क्वीन जी फाइव, नाइट को सेव करने का ऑप्शन अब ब्लैक को ढूंढना पड़ेगा। नाइट ई फोर ये एक अच्छी मूव है ब्लैक की ओर से, और कोई रिप्लाई मुझे नहीं दिखता दोस्तों, आपको अगर दिखता है तो मुझे बता दीजिए। नाइट ई फोर के बाद नाइट टेक्स ई फोर, डी टेक्स ई फोर, और यहाँ पे हम क्वीन एक्सचेंज नहीं करेंगे। अगर दोस्तों ब्लैक ने यहाँ पे क्वीन जी फाइव किया तो आप पीस प्लस हो जाओगे आफ्टर नाइट टेक्स जी फाइव, तो ब्लैक को कंपलसरी आपके नाइट को लेना होगा पहले। डी टेक्स ई फोर के बाद बिशप एफ सिक्स, ब्रिलियंट मूव, आफ्टर एच सिक्स, एच सिक्स जरूरी है क्योंकि क्वीन कहीं और मूव करते हैं तो सिंपल फोर्स चेकमेट आ रही है क्वीन एच सिक्स से। एच सिक्स के रिप्लाई में क्वीन एच फाइव के बाद ब्लैक विल रिजाइन कंपल्सरी, क्योंकि क्वीन कहीं भी मूव करता है देन क्वीन टेक्स पॉन एंड अनअवॉइडेबल चेकमेट है। तो दोस्तों ये है कोले जुकर्टर सिस्टम के क्वीन एफ थ्री अटैक वाली एक वेरिएशन। यहाँ फिर से देख लेते हैं डी फोर डी फाइव एंड एफ थ्री, आप एनबीडी टू करके स्ट्रक्चर में ध्यान रखिए दोस्तों, ओपनिंग में ध्यान कम रखिए, स्ट्रक्चर में ज्यादा ध्यान रखिए, तभी आपको ओपनिंग पावरफुल आ जाएगी। एफ फोर और यहाँ क्वीन एफ थ्री, जब ब्लैक कोई भी मूव करता है तो उसके आगे के प्लान सक्सेस नहीं होने देने हैं, पॉन टेक्स मार देना है वरना सी फोर हो गया तो यहाँ पे आपकी गेम काफी वीक हो जाएगी। बिशप टेक्स देन कैसल क्वीन जी थ्री प्लानिंग है यहां से ए वन टू एच एट डायगोनल का, ब्रिलियंट मूव है हर एक मूव। आप देखिए अगर नाइट एक्सचेंज नहीं कर रहा है तो समझो कि यहाँ पे ब्लैक लाइक रुक ई एट खेल रहा है, रुक ई एट में नाइट डी सेवन आप ट्राई कर सकते हो आफ्टर क्वीन टेक्स डी सेवन देन बिशप टेक्स एफ सिक्स जी सिक्स, और यहाँ पे क्वीन और अलग अलग अटैक आपके पास है। नाइट डी सेवन से बेटर ऑप्शन कौन सा है दोस्तों?
थोड़ा रिस्की है नाइट डी सेवन, मैं आपको सजेशन नहीं दूंगा कि नाइट डी सेवन खेलो। यहाँ पे आप पहले क्वीन एच फोर या फिर पहले नाइट जी फोर और नाइट एक्सचेंज करने के बाद किंग साइड जबरदस्त अटैक कंटिन्यू करते हो। नाइट टेक्स रुकी एट के बदले नाइट ई फाइव, सिंपल बिशप टेक्स ई फाइव, बिशप डी सिक्स देन बिशप डी फाइव और यहाँ पे बी फोर करके पूरा कंट्रोल जी सिक्स। आप सोचोगे कि जी सिक्स क्यों हो रहा है, अगर जी सिक्स नहीं किया तो यहाँ पे ब्लैक क्या खेल सकता है, लाइक यहाँ पे हम रुक ई एट खेलते हैं, रुक ई एट के बाद आप क्या करोगे बेस्ट ऑप्शन में, तो यहाँ पे सिंपल एफ फाइव, एफ फाइव आफ्टर पॉन टेक्स पॉन सिंपल बिशप टेक्स और रुक पे अटैक और सभी मूव आपको टेम्पो के साथ मिल रहे, तो ये पोजीशन काफी स्ट्रांग है वाइट के लिए। दोस्तों नए वेरिएशन में हम देखेंगे और भी बहुत सारी ओपनिंग्स और इसी कोले सिस्टम में बहुत सारे वेरिएशन में आपको सिखाऊंगा, तो जल्द ही मिलेंगे। जय हिंद, जय गुजरात।